लेकिन एक और ट्विस्ट वाली बात बताता हूँ भाई, सैमसंग वाले वैसे तो हमें बेकार सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको वो चार्जर भी नहीं मिलेगा 25 वोल्ट का, अब वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। कुछ सेंस बन रही है यार इस बात की? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे तो काफी कमाल के स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है सैमसंग M53 5G वर्सेस Xiaomi 11i 5G स्मार्टफोन, और आपको बताएंगे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया है, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, या ओवरऑल कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता कि सैमसंग के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Xiaomi के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर काफी ज्यादा तगड़े हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी एक की तो भाई यहां पर सैमसंग वाले विनर हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट 20:9, और वहीं अगर बात की जाए स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और दोस्तों अगर बात की जाए वाटर रेजिस्टेंट की तो यहां पर सैमसंग वाले भैया जी तो कोई भी आईपी रेटिंग नहीं दे रहे, ना नहीं दे रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Xiaomi फोन के अंदर हमें IP53 की रेटिंग दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि Samsung का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जो कि One UI 4.1 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ Xiaomi का फोन Android 11 के साथ में आता है, जो कि MIUI 12.5e पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर Samsung का फोन विनर है। और तुम भाई Xiaomi वालों आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 दे देते क्या चला जाता भाई तुम्हारा, मान ही नहीं रहे यार, क्या करूं। और अब बात करते हैं दोस्तों चिपसेट की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग के अंदर हमें Dimensity 900 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ Xiaomi के अंदर हमें Dimensity 920 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि दोस्तों चिपसेट के मामले में जो Dimensity 920 है ना भाई तगड़ा चिपसेट है। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के AnTuTu स्कोर की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग के फोन का आता है 4,75,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Xiaomi के फोन का आता है 5,00,000 के करीब। यानी कि दोस्तों AnTuTu स्कोर के मामले में यहां पर Xiaomi का फोन ही विनर है, और इसका मतलब है कि अगर आपको एक तगड़े AnTuTu स्कोर वाला स्मार्टफोन लेना है ना तो आप Xiaomi की तरफ जरूर से जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो आपको बता दूं कि Samsung के बैक में हमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Xiaomi के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, कैमरा सेटअप भाई आप यही मान के चलो कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में सिर्फ दो ही हैं। कैसे बताता हूँ, सैमसंग के बैक का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। आगे ना दो दो यूजलेस कैमरे। उसी तरह से दोस्तों Xiaomi फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। शुक्र है यार इन्होंने दिखावे के लिए हमें डेप्थ नहीं दिया, लेकिन मैक्रो तो दिया है ना, इसका मतलब वो भी यूजलेस है। यानी कि दोस्तों आपको दोनों स्मार्टफोन के बैक में सिर्फ 2 कैमराज ही दिए गए हैं, लेकिन एक बात बताऊं बेकार नहीं है भाई, कैमरे बढ़िया है। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Xiaomi के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से तो भाई यहां पर सैमसंग का फोन ही विनर है। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो सैमसंग के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ Xiaomi के फ्रंट से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक, सही सुना आपने, 1080 पिक्सल 4K दे देते भाई क्या चला जाता तुम्हारा। यानी कि दोस्तों फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यहाँ पर सैमसंग का फोन ही विनर है। और अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी बैकअप की। तो आपको बता दूं कि सैमसंग के अंदर हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, और वहीं दूसरी तरफ Xiaomi के अंदर हमें 5160mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यानी कि दोस्तों बड़ी बैटरी के मामले में यहाँ पर Xiaomi का फोन विनर है। और वहीं अगर मैं बात करूं फास्ट चार्जिंग की, तो यहां पर सैमसंग का फोन सिर्फ 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। शर्म करो यार, सिर्फ 25 वोल्ट दे रहे हो भाई, दूसरी कंपनियां 67 वोल्ट पे पहुंच चुकी हैं, जैसे कि Xiaomi।
और वहीं दूसरी तरफ Xiaomi का फोन 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छी फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना है ना, तो आप Xiaomi की तरफ जरूर से जा सकते हैं। लेकिन एक और ट्विस्ट वाली बात बताता हूँ भाई, Samsung वाले वैसे तो हमें बेकार सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको वो चार्जर भी नहीं मिलेगा 25 वाट का, अब वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। कुछ सेंस बन रही है यार इस बात की। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। और अब मैं बात करता हूं दोस्तों 3.5mm जैक की, तो हमें सैमसंग फोन के अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Xiaomi फोन के अंदर हमें 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों स्पीकर्स की, तो आपको बता दूं सैमसंग के अंदर भाई प्रीमियम है ना, इसलिए हमें सिर्फ सिंगल स्पीकर दे रहे हैं, शर्म कर लो यार। और वहीं दूसरी तरफ Xiaomi फोन के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें इनसाइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि सैमसंग फोन के 6+128GB वेरियंट की कीमत है 26,500 रुपए, लेकिन कुछ ऑफर्स वगैरह लगा के आप इस फोन को 23,999 रुपए में खरीद सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ Xiaomi फोन के 6+128GB वेरियंट की कीमत है 24,999 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, सैमसंग को या Xiaomi को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और साथ ही दोस्तों ऐसे स्मार्टफोन के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।